हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है और इसमें अचानक टच काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, सैमसंग का आपका कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको स्विच ऑफ करना चाहते हैं, रिबूट करना चाहते हैं, तो ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो है इसका जो है अचानक टच काम करना बंद कर दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको 10 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है अचानक चलते चलते हमारे का फ़ोन का जो है टच काम करना बंद कर देता है। देख लीजिए, यहाँ पे रिबूट हो रहा है। यदि आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सही हो जाएगा। यदि आपका सभी सामान सही है तो, और आपका टच खराब नहीं है, डिस्प्ले खराब नहीं है, तो आपका 100% सही हो जाएगा। दोस्तों, तो कभी कभी होता है ऐसा कि हमारा जो है अचानक टच काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, जब तक ये रिबूट हो रहा है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है और आप इसको एक बार रिबूट करके जरूर देख लीजिए। दोस्तों, रिबूट करने में कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। इसका जो है अचानक टच काम करना बंद कर दिया था और इसका जो है टच नहीं काम करता था, तो ऐसा प्रॉब्लम आपके भी साथ हो गया है या हो सकता है दोस्तों कभी भी। तो इस वीडियो को आप ध्यान में रखें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम यहाँ पर हम वेट करेंगे, उसके बाद हमारा फ़ोन ऑन होगा। उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएँगे कि इसका टच काम करता है या नहीं करता है। तो पहले जो है इसका टच नहीं काम करता था और अभी हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है। तो अधिकतर ये प्रॉब्लम उस फ़ोन में आता है जिसका जो है फोल्डर चेंज हुआ होता है, उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो यदि आपका फोल्डर चेंज है और आपके साथ ऐसा अचानक प्रॉब्लम हो गया है तो आप एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय यहाँ पर हम वेट करेंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन जब ऑन होगा तो हम आपको चेक करके दिखाएँगे कि हमारे फ़ोन का जो है टच काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि आपका मोबाइल हैंग हुआ होगा तो 100% सही हो जाएगा। अब हमारा फ़ोन जो है देख लीजिए दोस्तों, ऑन हो गया है और यहाँ पे जो है हमारा टच पूरी तरीके से जो है अच्छे से काम करने लगा है। दोस्तों, पहले जो है इसका टच नहीं काम करता था, अब देख लीजिए इसका टच काम कर रहा है। दोस्तों, तो कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।